अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। जिस माई यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक पाकिस्तान, आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ आज यहाँ की मार्केटों के बारे में जो बंद है यहाँ पे रमज़ान शरीफ की वजह से। यहाँ पे रमज़ान में बहुत रश होता है, हफ्ते का दिन है आज। हफ्ते का दिन में यहाँ पे रखने की जगह भी नहीं होती है, और रमज़ानों में तो बेसिक आखिरी आखिरी अर्सा में पूरे मैं इसी सिम शिकागो में हूँ। शिकागो की बहुत बड़ी एशियन मार्केट है जिसमें सारे मुस्लिम जो लोग रहते हैं अमेरिका शिकागो के अंदर, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं, जिसमें यहाँ पे बुटीक हैं हर जगह। मेरे पीछे भी आप बुटीक देख रहे हैं, सब बंद है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो पाकिस्तान में जो छूट दी गई है लोगों को, वो किसी चीज़ की वो केयरफुल नहीं कर रहे हैं। तादाद कोरोना वायरस का जो मैटर चल रहा है पूरी दुनिया में, तो उसकी तादाद बढ़ रही है। आप नेट पर जाके गूगल में करेंगे तो पूरी लिस्ट आ रही है सब किस ममालिक की, जिस तेज़ी में ये मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि हम आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे मैन सीज़न होने के बावजूद, जैसे पाकिस्तान में और भी ममालिक में ये रमज़ान शरीफ का इंतज़ार किया जाता है, यहाँ पर भी इंतज़ार किया जाता है, तो बेसिक सब पहने हैं। तो उस वीडियो में एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, और लाल बटन क्लिक का ज़रूर दबाइएगा। मेरी वीडियो में बहुत कुछ मैसेज मैं ला रहा हूँ, और ये चीज़ ज़रूरी है। ये सारे रोड बन हुए हैं, ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब बन हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह ये बुटीक है, देखें सारी बुटीकें बंद पड़ी हुई, जिसमें लॉक हुआ हुआ सारा कुछ। इन दिनों में इन जगहों पे इतना रश होता है, जैसे हमारी मार्केट में पाकिस्तान में जितना रश होता है रमज़ान का त्यौहार मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। ये सारी बुटीकें ब्लॉक हुई हैं, देखें बंद, ठीक है, रेस्टोरेंट बंद। ये जैसा हमारा पाकिस्तान में, जो मैं कराची में रहता हूँ, तो तारिक रोड जैसा है, ऐसी ये मार्केट है। तो ये मार्केट दिखाने का मकसद ये, सारे ब्लॉक हुए हैं, सब चीज़ें देखें। मैं अब इसको बैग पे लेके जाता हूँ। अब ये बुटीक है, देखें आज सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे मतलब हफ्ते का दिन है, यहाँ पे इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं थी आम दिनों में। और इन दिनों में बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, लोग सब कुछ सामान लेने के लिए अगर निकले हुए तो निकले हुए, जैसे देखें बड़ी बड़ी बुटीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सब बंद है। आखिरी जरा वो चल रहा है, जरा मतलब सब बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। और इस तरह कितना आवाम अपने इस बीमारी से कितना वो हो गए। तो मकसद यही है दिखाने का कि बताने का कि हम किस तरह से बचा जा सकते हैं, और मार्केट में अगर खुली है खुदारा अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत। रमज़ान में जो मस्जिदों में हम काम करते हैं, वो इन जगह पे हम काम कर रहे हैं, ये लोगों को राशन और मतलब हर जगह पे हलीम वगैरह हम दी जा रही है खाने का रोज़े के टाइम के लिए। तो कुछ लोगों से बात करते हैं इसका क्या टॉपिक है, ये दिखाने का। तो ये देखें सारे काम कर रहे हैं सारे मुसलमान भाई, ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप भाई? ये जो काम कर रहे हैं आप, तो ये काम कर रहे हैं, ये इंसानियत वाला काम है, फिर बाद में मुसलमानों वाला काम है। हमको ये चीज़ करना है, इसी से हमारी पहचान है, ये चीज़ में हमें आगे जरूर होना चाहिए। शुक्रिया। ये जो काम हो रहा है देखें, लोगों के लिए बांटा जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, ना कोई मुस्लिम कोई किसी भी मज़हब से बिलोंग करता है, सबको दिया जा रहा है। तो ये रमज़ान का 22वीं शब है, तो लोगों की खिदमत की जा रही है। तो भी देखें, भैया अस्सलाम वालेकुम। बताएं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कितना खिदमत कर रहे हैं लोगों की यहाँ? हम चाह रहे थे कि मस्जिद में ना, क्योंकि इफ्तार नहीं हो रही, तो सब साथियों को ना, और इसमें कोई ये नहीं है कि मुसलमान सबके लिए, यहाँ पे रह के सब खिदमत कर रहे हैं कि लोगों के दिल जीते हैं, मोहब्बत बांटे। आप क्या कहेंगे, आप बताएं आप कुछ कहें इसके बारे में, जो आप खिदमत कर रहे हैं लोग सारे सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से जो है ना, ये बहुत अल्लाह मियां ने रहमान
आमीन आमीन से जल मस्जिदों को जाना आमीन आमीन। सारे मुसलमानों सारे मुसलमानों दूसरे में मतलब मुसलमान नहीं है उन लोगों के लिए सब के लिए थैंक यू। About 500 अभी निकाल रहा था पब्लिक है अस्सलामुअलैकुम। आप क्या कहेंगे मार्केट आपकी जिस तरह बंद हुई है ये जैसे इंडिया पाकिस्तान और ममालिक में जिस तरह आवाम निकल के बाहर आ रही है ये रमज़ान का आखिरी ऐसा चल रहा है इन दिनों में कितना रश होता है और इन दिनों में हमारे पास जो है चलने के लिए जगह नहीं होती है बस ये लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी सारे लोग को आने के लिए परेशानी हो रही है। मैं तो अगर यहाँ पे जितने भी करीबी सबक हैं सारे लोग यहीं पे मौजूद होते हैं क्योंकि दीवान जो है शिकागो जो है बहुत मशहूर है दुनिया भर में देसी लोग जो है यहाँ पे क्राउडेड बहुत ज़्यादा होता है देसी लोग का वही है अभी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल खाली है। इफ्तार के टाइम पे थोड़ा बहुत रश हो रहा है वो भी रेस्टोरेंट की वजह से इससे आपका कितना बिजनेस वो बिजनेस तो बिल्कुल हुआ है कितना नुकसान हुआ है आपके बिजनेस तो बिल्कुल नहीं के बराबर है थोड़े बहुत ऑनलाइन के ऑर्डर होते हैं हमारे सर्वाइवल हो जा रहे हैं अल्लाह चाहिए बट अदरवाइज ओवरऑल तो ये इंडिया पाकिस्तान में जो लोग जिसका निकल रहे घरों में जो इस बीमारी की केयर इजी ले रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है बेहतर है कि बाहर ना ही और आपका ताल्लुक कहाँ से ये भी बता दें मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ हैदराबाद से तो ये हैदराबाद पाकिस्तान हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं बिल्कुल रमज़ान का दिन है हम सब एक साथ रहते हैं सब इबादत करते हैं लोगों की खिदमत करते हैं यहाँ पे लेकिन इन दिनों पर मस्जिदें भी बने हमें सबसे बड़ा अफसोस इस का है कि हमारी मस्जिदें सारी मस्जिदों के अलावा सबके आबाद सब बंद हैं तो इस बात का हमें दुआ करनी चाहिए इस बीमारी से जल्द दूरी पैदा हो। थैंक यू। अब ये एंड जो चुका है हमने सब बांट चुके हैं यहाँ पे लोगों की लिए हलीम वगैरह मनाई हुई थी रोज़ा खोलने के लिए तो मेरी वीडियो का एंड होता है और दुआ भी याद रखिएगा और इस तरह अभी नमाज़ का टाइम है नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलता हूँ। टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।